आखिरकार भारत का 10 साल का इंतजार खत्म हुआ और इंडिया पहुंच गया है फाइनल में। जी हां दोस्तों, आज ही इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का सेमीफाइनल वन मुकाबला हुआ था, तो इंडिया ने वो मुकाबला जीतकर फाइनल में अपनी कदम रख दी है। मैच बहुत रोमांचक हुआ। मैच में हमको विराट कोहली की एक शानदार पारी देखने को मिली और विराट कोहली ने अपना 50वां ओडीआई शतक लगाकर सचिन तेंदुलकर का मोस्ट ओडीआई सेंचुरी इन द वर्ल्ड वो रिकॉर्ड भी तोड़ दिया और अपने नाम कर दिया। हर बार की तरह मोहम्मद शमी ने अपनी खौफनाक गेंदबाजी से 7 विकेट चटकाए। इस पर एमएस धोनी ने भी अपना बयान दिया। क्या बताया, पूरा बताएंगे। तो इससे पहले दोस्तों, मोहम्मद शमी को एक बढ़िया गेंदबाज मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक के नीचे में कमेंट में जरूर बता दे। तो दोस्तों, ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 के सेमीफाइनल वन मुकाबले इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड को टॉस जीता इंडिया ने और किया बल्लेबाजी का फैसला। बल्लेबाजी में स्टार्टिंग में रोहित शर्मा ने 47 रन की एक शानदार पारी खेली। इसके बाद आए विराट कोहली, वो विराट कोहली लंबा खेले और विराट कोहली और शुभमन गिल की एक शानदार साझेदारी ने इनिंग को आगे बढ़ाया। शुभमन गिल ने 80 रन की पारी खेली और विराट कोहली ने एक लंबी पारी खेलकर उनका 50वां ओडीआई शतक भी कंप्लीट किया और उसके साथ सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड भी ब्रेक किया। उसके बाद हमको श्रेयस अय्यर का एक शतक भी देखने को मिला, बोर्ड पर जड़ दिया 397 रन। दोस्तों बात करें दूसरी इनिंग की, तो दोस्तों दूसरी इनिंग में भी बल्लेबाजों की तरह हमें गेंदबाजों में भी मोहम्मद शमी का एक खौफनाक रूप देखने को मिला और उन्होंने 7 विकेट चटकाकर इंडिया वर्सेज न्यूजीलैंड को मुकाबले को जीता दिया और पहुंचा दिया इंडिया को फाइनल में। मोहम्मद शमी की खौफनाक गेंदबाजी देखकर महेंद्र सिंह धोनी ने भी इस पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि मोहम्मद शमी अपने निजी जिंदगी को लेकर भी कई सारी परेशानी में रहे हैं। इसकी वजह से उनको कई बार टीम में मौका भी नहीं मिला, पर जब जब उनको मौका मिला तब हर बार वो खड़े उतरे है। ऐसे में सीएसके तो नहीं, हर कोई फ्रेंचाइजी उनको अपनी टीम में लेना चाहेगी।